शांति। आज की तारीख है 28/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक नवरात्रि का तीसरा दिन। और बाबा कहते हैं, सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ, देही अभिमानी बनो तो टाइम भी सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, संग दोष के कारण उनकी मूढ़ मति हो जाती है। बुद्धि उनकी जैसे कि मूढ़ मति हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से ही सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठोर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, हम ऊंचते ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हैं, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप और टीचर और गुरु के रूप में हमें मिला है, इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। नंबर दो, किसी भी बात के दुख में नहीं आना है। जर्मुई जंगमुई के समय समय अपना बर्बाद नहीं करना है। वरदान सतगुरु बाबा का, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। बाबा कहते हैं कि दुनिया में हंगामा और झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बनकर औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। तो विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही ये है, लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। स्लोगन है, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।